हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खैर मकदम है आपका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है फूड एंड क्रिएटिविटी। चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसानी से बनने वाले खुश्क चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा भी था इस बारे में, तो इसीलिए मैं ये जल्दी से आपके साथ शेयर करूँगी। ये क्या है? ये हमारे बासमती टुकड़ा चावल हैं, जो कि दो बार हुए, जिन्हें दो बार भी कहा जाता है। बस ये वही हैं रेगुलर चावल जो हम अपने घर में खाते हैं। ये मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था 2 घंटा पहले। ये मेजर करेंगे तो मेरा ये एक नॉर्मल घर का जो ग्लास होता है, ये पूरा भर के ये चावल लिया है। और इसे पकाने के लिए हमें सिर्फ इतना ही पानी लगेगा, और एक ग्लास अगर चावल हैं और वो भी भीगे हुए हैं तो हमें एक ग्लास ही पानी लगेगा। और अगर हमारे चावल भीगे हुए नहीं हैं तो बस थोड़ा सा और फालतू पानी लगेगा। तो बस हम इसमें ये पानी डाल लेते हैं, और साथ ही में हमें 1 टेबल स्पून जो है नमक लगेगा, और थोड़ा सा बिल्कुल पिंच, एक चुटकी के बराबर हमें ज़ीरा लगेगा। और साथ ही में हम इसमें घी या तेल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं घी डालूंगी। और इन सब चीज़ों को मिला के बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे, क्योंकि मैं चावल खुश्क चावल हमेशा हल्की आंच पे बनाती हूँ। अगर बहुत जल्दी है तो फिर कभी कभी कुकर में भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे खुश्क चावल ऐसे पतीले में बनाना बहुत पसंद है। वो बिल्कुल खिले खिले दानेदार बनते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं हैं, और पानी और चावल का रेशो हमें बराबर रखना होता है। बस यही इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे चावल हम चाहे सीटी में भी बनाते हैं कुकर में, तो भी जितने चावल हैं उतना ही पानी हमें लगेगा। हाँ, अगर आप सेला चावल लेते हैं उसमें ज़्यादा पानी भी अगर डालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये बासमती हैं तो ये फिर चिपचिपे हो जाएंगे और आपस में बहुत ज़्यादा लड्डू से बन जाएंगे, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। और मैं इसे हल्की आंच पे पकाती हूँ, पहले इसको तेज़ आंच पे रखेंगे, और उसके बाद जो है जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर बिल्कुल हल्की आंच करके इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। ना चम्मच चलाएंगे ना कुछ करेंगे, और 15 मिनट बाद दिखाऊंगी फिर इंशाल्लाह, जब ये तैयार होंगे फिर उसके साथ इसका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसमें मैं क्या बता रही थी कि कब आपको इसको हल्की आँच करना है। मैंने इसे अभी इसे बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि अब इसमें उबाला आना शुरू हो गया था। देखिए कैसे खद्दे लग रहे हैं। बस अब इसे बिल्कुल लो आंच पर हम इसे 15 मिनट पकाएंगे और ढक्कन बंद कर देंगे, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस ये तैयार हो जाएंगे। 15 मिनट ही लगते हैं इसे पकने में, इतने चावल को। अगर चावल आपके ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से टाइम बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे चावल का क्या हाल है। और बस अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुके होंगे। देखिए सुभान अल्लाह, देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। और अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आपको देखना है भाई इसमें पानी नहीं है, आप एक नाइफ लें या कुछ भी चम्मच वगैरह उसको डालें। देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कहीं भी मॉइस्चर आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये डन हो चुके हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी भीगे हुए थे, इसलिए हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये गले हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। और बस अब हम इसे ढक देंगे, और जो ये इसकी स्टीम है इसे फौरन हमें जो है अपना गैस ऑफ कर देना है। और बस इस स्टीम में अब ये बहुत ही अच्छी तरीके से, ना ओवर कुक होंगे और ना ही अंडर कुक होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ ये हमारे चावल जो हैं मैंने तैयार करके दिखाए हैं। चलिए देख भी लीजिए, ये बिल्कुल दानेदार खिले हुए चावल बने, इसमें कहीं पर कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई चिपचिपाहट नहीं है, और ये बिल्कुल कच्चे भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा अगर आपको अच्छा लगे। और आपको मालूम ही है मेरे चैनल का नाम क्या है, जो कि है फूड एंड क्रिएटिविटी। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।